भीषण गर्मी को देखते हुए जनपदीय जिला कारागार में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, यहां बंदियों और कैदियों के लिए क्या सुविधा की गई है, इन सब के बारे में जेल अधीक्षक ने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विस्तृत रूप से जानकारी दी है। बता दें कि जिला कारागार में निरुद्ध करीब हजारों की संख्या में बंदी और कैदी मौजूद हैं। यहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी ने इस बार मैनपुरी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में जेल में बंद बंदियों और कैदियों के लिए जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक कमल मंगलानी की ओर से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। अतिरिक्त रूप से पानी के मटके और आरओ वाटर कूलर लगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, दोपहर के समय सभी बंदी और कैदियों को आम का पन्ना भी पिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे मौसम विभाग की ओर से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लोगों से घरों में रहने का अलर्ट जारी किया गया, ऐसे ही जेल में भी इस बात का ऐलान किया गया है कि कोई भी बंदी या कैदी 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक अपनी वैरिंग से बाहर नहीं आएगा। जेल अधीक्षक कमल मंगलानी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। जगह जगह पे पानी के मटके लगा रखे हैं, सारी बैरकों में भी मटका दे रखा है और जो कॉमन स्थान है उन पर भी हम लोगों ने मटके लगा दिए हैं। उसके अलावा उनका एक्सपोजर धूप में ना हो उसके लिए हम लोगों का स्ट्रिक्टली 12 से 3:30 तक बैरके बंद रखे हैं। जो सबसे ज़्यादा आप लोग अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि 12 से 3 घर से ना निकलें, ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 11:30, 12 से 3:30 के आसपास वो लोग भी अपनी बैरकों से ना निकलें और बैरकों में रहें। इसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह पर शेड लगवाए हैं, जिसको आप कहते हैं टीन वगैरह का शेड लगाया हुआ है, ताकि उनको है ना अगर कहीं निकलना भी हो या कहीं बैठना भी हो तो वो शेड मिल जाती है। अच्छा मैम, जो बाहर जो बंदियों के अलावा चौथा हम लोग दिन में आम पन्ना की व्यवस्था है यहाँ पे, तो सारे बंदियों को जब बारिश खुलती है 3:30 बजे तो उनको आम पन्ना दिया जाता है। मैम, जो बाहर जो बंदियों से मुलाकात करने के लिए परिजन स्वजन आते हैं तो उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं की गई? वही, उनके लिए भी सिमिलर तरीके की व्यवस्था है। उनके लिए हम लोगों ने पानी का मुला लगा रखा है वहाँ, और आप देखेंगे सामने मुलाकात घर है, वहीं पे ही उनका वेटिंग एरिया है। और जब एकदम 5 या 10 मिनट मुलाकात में रह जाते हैं तभी उनको वहाँ से यहाँ तक लाया जाता है, ताकि उनका एक्सपोजर यहाँ ना रहे और उनको वहीं मुलाकात घर में उठाया जाता है। वहाँ पे भी पानी की और नल की व्यवस्था कर रखी है।